नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 के यूपी सरकार ने दी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी दी है। योगी सरकार ने दे दी कांवड़ यात्रा ना निकालने के बाद गंगाजल लाने की इजाजत। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भी कहा है इस पर तो कौन नियम बनाए हैं, चलिए जान लेते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सिख के भक्त हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कांवड़ यात्रा 2021 की इस साल की पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब आपको देते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को दोबारा से ना मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा की इजाज़त तो नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने ये भी साफ कहा है कि योगी सरकार के शिव मंदिरों तक गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए और कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में कांवड़ यात्रा भी नहीं हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा अब ना निकालने की खबर दी है और इस मामले पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र से भी जवाब तलब किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने की लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। बता दें कि कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि टैंकर चिन्हित अथवा निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हो ताकि आसपास के भक्त यहां से गंगा जल को इकट्ठा कर सके और अपने नज़दीकी शिव मंदिरों में अभिषेक कर सके। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि गंगा जल वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की ना इजाजत देने के मामले में न्यायमूर्ति R.F. नरीमन की पीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी। श्रावण माह में शुरू होने के साथ ही निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा हर साल अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है और इस दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने उत्तराखंड स्थित हरिद्वार आते हैं। इस गंगा जल से वे अपने गाँव के शिवलायों में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। तो अब तो कांवड़ यात्रा 2021 की ये थी हरिद्वार से बड़ी खबर। जी हाँ, और यूपी वालों के लिए बड़ी खबर। तो आपको क्या लगता है कि इस साल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी या नहीं? सारे प्रोग्राम हो रहे हैं हर जगह पर, लेकिन केवल कांवड़ यात्रा पर ही रोक क्यों? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।